अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने बनाया है क्लब सैंडविच, बहुत ही मज़े का बना और इतनी मुझे भूख लगी थी कि ये मैंने लिटरली सुबह फजर के टाइम पे बनाया है और साथ में वीडियो भी बना ली। तो रेसिपी ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक आती रहे। इधर मैंने ले लिया है 1.5 पाव चिकन, फिर चिकन में मैंने डाले 3 चम्मच चिली सॉस के, उसके बाद सोया सॉस डाली 3 चम्मच और इसी तरह विनेगर भी डाला 1 चम्मच और फिर लेमन डाला मैंने 1 स्क्वीज कर लिया इसमें, आप समझ लें कि 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून और उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का रंग शामिल किया है और इसे मैंने मैरिनेट करने रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। नमक हंस में जायका ही रखिएगा आप। इधर मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है क्योंकि इसलिए कि ये मैरिनेट होगा और फिर खुश्क होगा तो बिल्कुल परफेक्ट इसमें नमक हो जाएगा, तो कम ही रखें नमक तो ज़्यादा बेहतर है अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे 3 अंडे मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं और ये ब्रेड ले लिए, इन सब के किनारे मैं काट दूंगी। कैबेज और कैरेट बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे और फिर वो इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद आधा कप आप मेयोनीज ले लेंगे और वो शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ था वो हो चुका है तो उसको हम रख देंगे पैन में और उसको खुश्क होने देंगे। यहाँ पे अंडे भी बॉईल हो चुके हैं तो अंडे भी छील कर रख लेंगे और चिकन भी इधर सारा खुश्क हो चुका है तो चिकन का भी हम रेशा कर लेंगे बारीक बारीक। इधर ब्रेड को ग्रिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इधर मैंने डाली इस पर सबसे पहले केचप, केचप के बाद हम लगाएंगे अपना चिकन। चिकन के बाद ये जो हमने मायो की स्प्रेड बनाई थी ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ये वेजीज के साथ है।
अब हम इसमें लेटस और उसके बाद बॉइल्ड हमारे एग्स और फिर उसके बाद हम इसमें चीज़ का एक स्लाइस रखेंगे और बंद कर देंगे और बीच में से काट लेंगे जिस तरह से सैंडविच को आड़ा काटा जाता है। और आप देख सकेंगे कि इतने मज़ेदार सा आपका पूरा असेंबल हो गया, शक्ल भी बहुत प्यारी आएगी और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। और लाजमी बीच में से काटिएगा क्योंकि जब खूबसूरत चीज़ लगती है तो फिर उसे खाने में भी मज़ा आता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और ये रेसिपी सबके साथ शेयर करें। और ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही अच्छी रहती है ये रेसिपी, बच्चों के लिए भी हेल्दी होती है, तो ये लाजमी ट्राई भी करें और अपने घर में बनाएं, सबको खिलाएं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं। चलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।